तो बच्चों जी, लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक आपके साथ शुरू करा था। टॉपिक का नाम था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसमें आपको ये बताया था कि हमारे देश के अंदर 1950 से लेकर 1990 तक कुछ दिक्कतें थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उनको ठीक करने के लिए हमने दो बातें करी, क्या क्या? लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम्स तो चलो आपने पढ़ ली थी, ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी, तो इनको दूर करने के लिए हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। लैंड रिफॉर्म्स क्या था? जिसमें हम ओनरशिप बदल देते हैं, उसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। ये बात बताई थी और इसका मोटिव था इक्विटी। बाकी इसमें दो पॉइंट्स बड़े लिखवाए थे आपको कि एबॉलिशन ऑफ क्या? इंटरमीडरीज, है ना, लेकिन उसमें कुछ लूप होल्स वगैरह बताए थे ज़मींदार क्या करते थे। और दूसरा आपको बताया था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब कि लिमिट लगा देते थे, उसमें भी लैंडलॉर्ड्स ने लूप होल्स निकाल लिया था, चैलेंज करके डिले करवा दिया था। तो हमने लैंड रिफॉर्म के बारे में तो पढ़ लिया था, तो आज हमें दूसरी चीज़ पढ़नी है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो दूसरी चीज़ जो हमारे मतलब इसके अंदर हुई, दूसरा कह सकते हो बड़ी क्रांति जो आई, उसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक इंट्रोडक्टरी लाइन दे रखी है कि एट इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना, ये तो हम जानते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में या इसके बारे में हम एक दो बातें और लिखते हैं। तो आप लिखो फर्स्ट एरो डाल के अब इसके नीचे, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज वेरी लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी फुल स्टॉप। India's agriculture was mainly dependent on monsoon and there were hardly any proper irrigation facilities. There were hardly any proper irrigation facilities. Or second arrow, the stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the के बाद लिख लेना green revolution। तो ये हो गया basically introduction, शुरुआत हो गई। तो देखो कितना सही इंट्रोडक्शन दे रखा है इस इन बातों में। पहले ये समझा देता हूँ, पहले आपको मुसीबत बता रखी है, दुख दिखा रखे हैं, जैसे बॉलीवुड मूवी में होता है ना, शुरू में सब कुछ बुरा चल रहा होता है, दुख चल रहा होता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्यों कम थी? क्योंकि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, क्योंकि हम मॉनसून पर डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत बेकार थी। तो ये सारे दुख के बादल आपको दिखा रहे हैं, जैसे बॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं। फिर ऊपर से स्टैग्नेशन भी था कॉलोनियल रूल में, ये हमने चैप्टर वन में पढ़ा था। तो इतने सारे बुरे हालातों के बीच अचानक से हीरो की एंट्री होती, तो बस वही हीरो की एंट्री हो गई। तो ये लिखा है स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल
वॉज परमानेंटली ब्रोकन। अब वो जो स्टैग्नेशन था ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो आप पिछले मतलब काफ़ी लेक्चरों से सुनते आ रहे हो ये शब्द स्टैग्नेशन 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 एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो स्टैग्नेशन अब हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया किसने? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन की मतलब एंट्री हो गई, हीरो की एंट्री हो गई। तो वैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है वो यहाँ से है जी। तो अगर एग्ज़ाम में वन नंबर डेफिनेशन पूछे तो ये वाली लाइन लिख चिपकानी है आपको, पढ़ लेते हैं कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना मुद्दे की बात, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हमारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया? ड्यू टू यूज़ ऑफ HYV सीड्स। तो ये भी हाईलाइट कर लेना कि हम क्या यूज़ करते हैं, HYV सीड्स। HYV की फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, है ना। तो बस ये वन नंबर की डेफिनेशन है। बाकी ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ द स्पेक्टेकुलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर, ये कह रहा है। और HYV सीड्स क्या होते हैं, या HYV सीड्स के बारे में भी देखो क्या दे रखा है कि मेन रीज़न फॉर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, डैश डाल के मतलब यहाँ पे एक डैश है आप लगा लेना, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन अकर्ड प्राइमरीली ड्यू टू द मिराकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स। इसको आप हाईलाइट कर लेना। HYV सीड्स को लोगों ने शुरू में वंडर सीड्स भी कहा, न्यू वंडर सीड्स। सीड्स का मतलब होता है बीज। तो ये वाले HYV सीड्स ऐसे होते थे कि अगर आप इनको ज़मीन में बोते हो तो फिर जो क्रॉप्स उगती हैं वो काफ़ी तेज़ी से और बेहतर उगती हैं, तो इसीलिए इनको मिराकल सीड्स बोला जाता था। तो देखो ये लिखा भी है कि क्या हुआ इनसे, विच रेज्ड, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, एग्रीकल्चरल ईल्ड पर एकर टू इनक्रेडिबल हाइट्स। ये कभी कभी MCQ में पूछ लेता है, मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। रेज्ड एग्रीकल्चरल ईल्ड पर एकर, इसका क्या मतलब है जी? एकर किसे बोलते हैं? एकर जैसे हाइट नापने के लिए सेंटीमीटर्स है ना मेजर होता है, तो वैसे ही ज़मीन को नापने के लिए एक मैथमेटिकल मेजर होता है, एकर बोलते हैं उसको, है ना। तो मान लो ये 1 एकर लैंड है, लेट से ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले इस 1 एकर लैंड में मान लो हमने कुछ क्रॉपिंग करी, फसल बोए, और वो फसल जब हमने सब काट कूट के निकाली, तो मान लो ऐसी कुछ भी लिख रहा हूँ, मान लेते हैं 10 किलो हमें वीट मिला लेट से। लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन अब इसी ज़मीन पर जब हमने HYV सीड्स बोए तो फिर कितने किलो वीट निकला, मान लेते हैं 90 किलो वीट निकला। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पर एकर ईल्ड है, ईल्ड का मतलब होता है आउटपुट। अगर आपको ईल्ड वर्ड का मतलब लिखना है, यहाँ पे YELD लिखा है ना, इसका मतलब होता है आउटपुट, इसको ईल्ड बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पर एकर ईल्ड जो है वो बढ़ गया, मतलब पर एकर आउटपुट बढ़ गया। पहले 1 एकर ज़मीन पर कितना गेहूं उगता था? 10 किलो, लेकिन अब कितना गेहूं उगने लगा? 90 किलो। तो हम इसको कह सकते हैं ईल्ड बढ़ गया, ईल्ड पर एकर। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, सिंपल भाषा में कहें तो। तो समझ आया पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन? अब एक दो बातें और लिखनी है यहाँ पर, आप HYV सीड्स के बारे में मेरे साथ साथ लिख लो। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये तो डायग्राम समझाने के लिए बना रहा था। तो यहाँ एक दो बातें आप लिख लेना, जैसे बिंदी डाल के लिख लो, HYV सीड्स, HYV सीड्स कैन बी यूज्ड इन दोज प्लेसेस वेयर
देयर आर एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई. HYB सीड्स वहीं पर कारगर साबित हो सकते हैं, वहीं पर यूज हो सकते हैं जहां पर ड्रेनेज की और वाटर सप्लाई की अच्छी सुविधा होगी. दूसरी बात, HYB सीड्स नीड हैवी डोजेस of chemical fertilizers. HYB seeds को बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको chemical fertilizers देने पड़ते हैं. तीसरी बात, to derive benefit from HYB seeds. To derive benefits from HYB seeds, comma, farmers need reliable irrigation facilities. Farmers need reliable irrigation facilities. ये भी एक पॉइंट है कि HYB seeds का फायदा उठाने के लिए किसानों को एक प्रॉपर इरिगेशन की सुविधा की भी ज़रूरत पड़ती है. अब मान लो कोई ऐसी जगह हो जहाँ कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, फिर वहाँ पर ये HYB सीड्स बेकार रहेंगे. और चौथा पॉइंट भी लिख सकते हो, फार्मर्स ऑल्सो नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फार्मर्स ऑल्सो नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज to purchase HYB seeds. यानी कि HYB seeds खरीदने के लिए भी farmers को financial resources की ज़रूरत पड़ती थी, पैसों की ज़रूरत पड़ती थी. HYB seeds बहुत महंगे आते थे. तो HYB seeds के बारे में भी अगर by chance question आपसे पूछ ले 3 नंबर तक, तो आप ये सारे बातें लिख सकते हो. तो HYB सीड्स जो थे वो वैसे तो मिराकल सीड्स थे, इससे प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन ये कभी यूज़ हो सकते हैं जब आपके पास अच्छी पानी की ड्रेनेज की सुविधा हो, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की इसमें बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ती है, इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए और महंगे भी होते थे ये वाले सीड्स. तो कहीं ना कहीं ये चारों पॉइंट जो हैं ये HYB सीड्स के क्या हैं, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स. ये चारों पॉइंट्स एक तरह से HYB सीड्स के क्या हैं, ड्रॉबैक्स. तो HYB सीड का फायदा बस एक ही है, क्या, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. फायदा क्या है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. लेकिन लिमिटेशंस क्या हैं HYB सीड्स के, ये सब कह सकते हैं. तो पहले क्लियर हो गया. तो खैर हमें तो लिमिटेशन से भी मतलब नहीं है. तो फाइनली ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में 2 फेजेस में आया. कब कब, mid-60s से mid-70s और अगला mid-70s से mid-80s. मतलब 2 दौर आए ग्रीन रिवॉल्यूशन के. वैसे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, मतलब एग्जैक्ट कौन सा वर्ष था, ये भी पूछ लेते हैं. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1965-66 वो जो सीजन था. तो बादल में साइड में लिख लो, 1966 बोलते हैं MCQ के नज़रिए से. अगर बाय चांस MCQ के ऑप्शन के नज़रिए से पूछा जाए तो 1966 ये वो वर्ष माना जाता है जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 फेजेस में आया था. पहला था फेज 1, 60s से लेकर 70s का दौर. तो इसमें देखो जो HYB सीड्स का यूज़ था वो रिस्ट्रिक्टेड था. जो अमीर स्टेट्स हैं,
सिर्फ उनको दिया जाता था HYB सीट्स। कहाँ कहाँ ये मार्क करना है याद रखने के लिए, पंजाब मेनली, आंध्र प्रदेश मेनली और तमिलनाडु। और HYB सीट सारे क्रॉप्स पर नहीं लगाया, स्टार्टिंग सबसे पहले किसके साथ हुई थी, वीट के साथ। अब ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो लेटर राइस। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब पहले दौर में आया तो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स के अंदर HYB सीड्स दिए गए और कुछ ही क्रॉप्स के लिए दिए गए। लेकिन जब सेकेंड फेज में आ गया तो फिर बाकी स्टेट्स में भी इसको देना शुरू कर दिया और बाकी क्रॉप्स में भी इसको देना शुरू कर दिया। तो इसका फ़ायदा अलग अलग क्रॉप्स में बाद में हो गया और अलग अलग स्टेट्स में भी फैल गया। तो इसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन दो फेजेस में हमारे देश में आया, पहला फेज वन और फिर फेज टू। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब एग्जाम का जो आपका क्वेश्चन है वो है ये, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन पर बनता है। तो इस पर आप इम्पॉर्टेंट लिख लेना, एक प्रॉपर थ्री टू फोर मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। वो ये पूछ लेगा आपसे कि बताओ ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या पड़े। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो बेसिकली ये है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में आया, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो इससे अब हमारा देश क्या अचीव करने लगा, सेल्फ सफिशिएंसी। तो इस पर आप बादल बना लेना। तो इंडिया वॉज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन। अब हमें अमेरिका से कोई खाना नहीं खरीदना या किसी और देश से कोई खाना नहीं खरीदना, क्योंकि अब हम सब कुछ अपने देश में बना पा रहे थे। बाकी और क्या फ़ायदे हुए या और क्या इफ़ेक्ट्स हुए वो वन बाय वन हम लिखते हैं। पहला है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, तो इसके बारे में लिखते हैं डैश डाल के। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस फुल स्टॉप। मार्केटेबल सरप्लस refers to that part of agricultural produce which is क्या बताओ, marketable surplus किसे बोलते हैं, which is sold in market by the farmers after meeting their own consumption requirement, after meeting their own consumption requirement full stop। और नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, a good portion of wheat and rice को भी आप अंडरलाइन कर लेना, produced during green revolution period, produced during green revolution period was sold by the farmers, was sold by the farmers in the market। तो देखो कितना बढ़िया एडवांटेज हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ा तो अब फार्मर्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो भी सरप्लस बच जाता था उसको बाज़ार में बेच पाते थे। और ऑब्वियसली वीट और राइस के बारे में आपको जो पहले बताया था, तो वीट और राइस का प्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ था उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद,
कि फार्मर्स ने वीट और राइस को फिर बाजारों में बेचना शुरू कर दिया था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो क्लियर हो गया, समझ आया वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या फ़ायदा, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक का मतलब, हाँ तो लिख लेते हैं, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्यूर टू प्रोक्यूर sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage, which can be used in times of food shortage। तो बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सुन रखा होगा कि सरकार अपने पास कुछ फूड ग्रेन्स स्टॉक में रखती है, संभाल के रखती है, ताकि इसको कब इस्तेमाल कर सके, अगर कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, वहाँ पे खाना कम पड़ गया तो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है, या फिर अगर सरप्लस है तो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा सरकार को भी मिला और सरकार ने बहुत सारा फूड ग्रेन्स का स्टॉक अपने पास बिल्ड कर लिया। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट भी। और तीसरा फ़ायदा मिला गरीब लोगों को, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। तो इसमें लिख लेते हैं, एज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स was sold by the farmers in the market, comma, their prices, बताओ क्या, क्यों? तो ये आपको कैसे पता चला? ठीक है, बिल्कुल सही। तो देयर प्राइसेस डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम्स, फुल स्टॉप, द लो इनकम ग्रुप्स benefited from this decline in prices of food grains। तो obviously food grains सस्ता हो गया, गेहूँ सस्ता हो गया, चावल सस्ता हो गया, तो इसका फ़ायदा गरीबों को मिलेगा, है ना, क्योंकि वो तो यही सब चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, उन्हें तो महंगी चीज़ों से मतलब नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर से। तो जो फूड ग्रेन्स हैं वो सस्ते हो गए, तो इसका फ़ायदा गरीबों को मिला, लो इनकम ग्रुप को मिला। बाकी ये लॉजिक पता होना चाहिए, चाहे वो पूछे ना पूछे आपको, कि प्राइस कम क्यों हुआ। तो बताओ जी, प्राइस कम क्यों हुआ? डिमांड नहीं बढ़ी दोस्त, सप्लाई बढ़ गई, है ना। तो बचपन में, आज से 5 साल पहले जब आप क्लास 11th में छोटे मासूम बच्चे थे, आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ और प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे प्राइस कम हुआ, यूजिंग क्लास 11th का डायग्राम। अब मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता था? डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से। अब जब फूड ग्रेन्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, मार्केट में लिखा भी है कि फार्मर्स ने ज़्यादा फूड ग्रेन्स बेचना शुरू कर दिया, तो इससे सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो सप्लाई के बढ़ने से सप्लाई कर्व जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? राइट। तो हमने पढ़ा था, तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा,
और इक्विलिब्रियम के चेंज होते ही ऑटोमेटिकली नया प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली मार्केट इफेक्ट है, इस वजह से प्राइस कम हो रहा है ना। तो ये पूछेगा नहीं आपसे ट्वेल्थ में, लेकिन इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और हमेशा इसमें कनेक्शंस बने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा था, तो इस वजह से हो रहा था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। लेकिन तीनों बेनिफिट तो एक बार ऐसे ही ओरली बता दो, मेन पॉइंट्स। पहला बेनिफिट क्या, मार्केटेबल सरप्लस हो गया एक तो हमारे पास, फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक सरकार के पास फ़ायदा हो गया, और गरीब लोगों के लिए चीज़ें सस्ती हो गई, प्राइस कम हो गया, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल गया, है ना। तो बेसिकली तीन बेनिफिट्स हो गए। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन है कि रिस्क इन्वॉल्व्ड अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या खतरे थे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में खतरा क्या था, रिस्क है ना, रिस्क क्या था। तो देखो इसमें, देखो स्टार्टिंग दे रखी है कि वाइल द नेशन हैड इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हमारे देश को वैसे तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड वॉज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क। लेकिन क्या रिस्क थे, दो बहुत बड़े रिस्क थे और वो दोनों ही आपको एग्जाम में लिखने हैं, इसी बात के तीन नंबर मिलेंगे। तो मैं पहला समझा देता हूँ। पहला है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, बिल्कुल सही, कीड़े। अब देखो हमने ऊपर एक पॉइंट लिखा था कि जो HYV सीड होते हैं, कहाँ था पॉइंट, ये रहा, जो HYV सीड होते हैं उसमें सेकंड पॉइंट लिखा था, उसमें आपको हैवी डोजेस किसकी डालनी पड़ती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स की। तो अब जैसे आप बच्चे हो, आपको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, बताओ पीना मज़ा आता है कि नहीं, है ना, अच्छा लगता है, क्योंकि वो केमिकल से बनी हुई चीज़ है, तो आपको भी चटपटी लगती है, मज़ा आता है, आपका भी मन करता है हम ये पिएं। ऐसी जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें भी चटपटी चीज़ें चाहिए। अब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल से बने हुए, मतलब ये जो खाद होती है, ये कीड़े मकोड़ों को बड़ी पसंद होती है, कहते हैं हाँ ये तो बड़ी टेस्टी है। तो जब आप अपने HYV सीड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स डालोगे तो फिर ज़्यादा कीड़े मकोड़े कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे इन्हें खाने के लिए। तो HYV सीड्स में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप HYV सीड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स डालोगे तो ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी आएंगे, और अगर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालोगे, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। तो आपको पता है हम हॉस्टल में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, हम अपने हॉस्टल के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, टमाटर करेला ये सब चीज़ें बनाते हैं ऑर्गेनिकली, उसमें सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो कोई कीड़े मकोड़े का खतरा नहीं होता, ऐसे ही खुला रहता है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता। लेकिन अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल देंगे तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। तो पहला रिस्क यही है, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, में यही कहानी लिखनी है। तो लिखो मेरे साथ, द HYV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट्स, मतलब कि, चलो पहले पूरा लिख लो फिर समझाता हूँ। द HYV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट्स फुल स्टॉप, सो इसीलिए देयर वॉज अ रिस्क दैट स्मॉल फार्मर्स who adopted this technology, could lose everything in pest attack, full stop. However, this risk was considerably reduced by the services provided by research institutes.
ठीक है, ये लिखना है आपको पूरा। तो देखो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है एग्ज़ाम के लिए भी। देखो एक गरीब किसान था, ठीक है, इस गरीब किसान ने जब सुना अरे HYV सीड्स आए हैं इससे प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो भाई शुरू शुरू में क्या होता है जब जैसी कोई मार्केट में नई चीज़ आती है फोमो इफेक्ट होता है, तो सबको लगता है अरे वाह बड़ी अच्छी चीज़ है हम भी खरीदेंगे, तो गरीब किसान को लगा मैं भी खरीदूंगा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इसने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी इसके पास जितना भी पैसा था वो इकट्ठा उकट्ठा कर कुरा के इधर उधर से रिश्तेदारों से लोन वोन ला ला के ये महंगे HYV सीड्स खरीद लिए जैसे तैसे करके। इसने कहा चलो अब HYV सीड्स लगाएंगे। अब इसने तो मजे से HYV सीड्स लगा दिए। अब इस भाई किसान को क्या पता, इतने पढ़े लिखे वो होते नहीं, कोई सिखाता नहीं। तो इसने जब HYV सीड्स लगाए फिर अगले दिन ये सुबह जब सो के उठा तो इसने देखा अरे ये तो सारी फसल हमारी ख़राब हो गई, ये तो सारे कीड़े मकोड़े खा के चले गए, तो अब क्या होगा, इसका सारा पैसा बेकार बर्बाद हो गया है। तो बात समझ आ रही है ना, तो ये प्रॉब्लम हुई। तो यही लिखा है देखो, HYV क्रॉप्स वर मोर प्रॉन टू अटैक बाय पेस्ट। HYV सीड्स जो होते हैं उनमें कीड़े मकोड़े अटैक करेंगे, सो देयर वॉज अ रिस्क दैट स्मॉल फार्मर हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन पेस्ट अटैक। वो अपना सब कुछ खो बैठता है पेस्ट अटैक में। हाउएवर, लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद इस रिस्क को कम करा किसने, बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने। सरकार पता है इसीलिए गांव-गांव में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलती, अब तो कॉल सेंटर भी बना दिए उनके कि भाई फ़ोन करके किसानों को समझाओ कि देखो ये वाला बीज जो है ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, वैसे करोगे तो ऐसा होगा, मतलब वो उन्हें एजुकेट करते हैं। तो धीरे धीरे जब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आए, उन्होंने किसानों को समझाया, HYV सीड्स के बारे में बताया, तब ये रिस्क थोड़ा कम हुआ। लेकिन शुरू में बहुत से किसानों के साथ ये हो गया था कि उन्होंने अपना पैसा लगा दिया HYV सीड्स में और कीड़े मकोड़ों ने सब खराब कर दिया। ठीक है, तो ये पहला रिस्क हो। दूसरा रिस्क, ये तो सबसे भयंकर है, सितारा, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। तो ये पहले आप बताओ इस पर आपके क्या विचार है, मतलब ये क्यों लिखा है भेदभाव। हाँ, और गरीब नहीं खरीद पाएंगे, तो मतलब हम लोग नहीं बोलेंगे, हम किसान बोलेंगे, फार्मर बोलेंगे। फार्मर में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक रिच फार्मर और एक पुअर फार्मर। तो जो HYV सीड्स हैं अच्छे वाले, वो रिच फार्मर तो खरीद लेगा, उसके पास ड्रेनेज की सुविधा भी अच्छी, फर्टिलाइज़र भी केमिकल वाले, कीड़े मकोड़ों को भी वो मार देगा। तो रिच फार्मर तो HYV सीड्स के ज़रिए और रिच हो जाएगा, लेकिन पुअर फार्मर तो खरीद नहीं पाएगा, तो बेचारा वो तो और पुअर रह जाएगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से एक सबसे बड़ा खतरा ये था कि फार्मर्स में ही भेदभाव हो जाएगा, कुछ फार्मर्स बहुत रिच हो जाएंगे, कुछ फार्मर्स गरीब हो जाएंगे। तो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, तो मतलब इसको लिखना है हमें, एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। तो देयर वॉज अ रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट्स रिक्वायर्ड अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स since only big farmers could afford the required inputs है ना, मतलब वही वाली बात कि महंगे महंगे इनपुट्स सिर्फ बड़े फार्मर्स ही खरीद पाते, तो इस चक्कर में डिस्पैरिटीज़ हो जाती हैं छोटे और बड़े फार्मर्स के बीच में, फुल स्टॉप। हाउएवर दीज फियर्स
did not come true. Full stop. लेकिन ये जो डर था हमें, ये नहीं हुआ, बच गए हम. क्यों बच गए? फुल स्टॉप. बताओ सरकार ने क्या करा होगा? तो ये आपको कैसे पता? अच्छा, तो तुम इतने चालू हो गए. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे मित्र कि भाई हमें ये दो बातों का डर था, या मेनली इस बात का डर था कि अमीर फार्मर तो खरीद लेगा HYV सीड, गरीब फार्मर नहीं खरीद पाएगा. लेकिन ये जो डर था ये सच नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? सरकार ने क्या करा? गरीब फार्मर को सब्सिडी दे दी. कहा कि भाई ठीक है, आपको महंगा लग रहा है HYV सीड, तो हम आपको पैसे दे देते हैं, हम आपको लोन दे देते हैं सस्ते रेट पर. तो सरकार ने उनकी मदद कर दी, तो वो मतलब बच गए. तो ये पॉइंट लिखना है कि द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट low interest rates to small farmers along with subsidies benefit. तो सरकार ने मतलब ये हथकंडा अपनाया कि चलो सब्सिडीज दे दो भैया इन्हें, गरीब फार्मर्स को, इनको सस्ते दरों पर लोन्स दे दो. तो बस फिर इससे थोड़ा सा मतलब खतरा कम रहा. लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों रिस्क थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर, एक तो पेस्ट अटैक का रिस्क और दूसरा भेदभाव का रिस्क. अब इसी सब्सिडी के देने से हमारा लास्ट टॉपिक बनता है. एक बहुत बड़ी डिबेट हुई हमारे देश के अंदर, दो ग्रुप्स बन गए. कुछ लोगों का कहना था कि सरकार सही कर रही है सब्सिडीज देकर, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, सरकार को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए. तो कुछ लोग तो एग्री कर रहे थे कि हाँ भाई हाँ सब्सिडी दे दो, कुछ लोग कह रहे थे नहीं ये तो सरासर मतलब गलत हो जाएगा, सब्सिडी देना तो ठीक नहीं है. तो आपका क्या विचार है, क्या होना, मतलब आप किस साइड हो? देना चाहिए तो सब यही कह रहे हैं देना चाहिए सब्सिडी. भाई कोई ये तो नहीं कह रहा कि नहीं देनी चाहिए. तो बताओ, तो आपके नंबर कट सकते हैं फिर तो एग्जाम में, क्योंकि आपको ना तो ये कहना देनी चाहिए ना ये कहना नहीं देनी चाहिए. आपको तो दोनों के पॉइंट्स रट के घर से जाने हैं. क्वेश्चन जो पूछेगा आप तो उसकी साइड हो जाओगे. अगर क्वेश्चन ने कहा कि आपको सब्सिडी देनी चाहिए और आप कह रहे हो कि हाँ 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 हम तो इसके फेवर में हैं, तो उसके पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है. और अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं आपको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, तो आपको उसके पॉइंट्स भी पता होने चाहिए. तो आपको दोनों के पॉइंट्स पता होने चाहिए कि भाई क्या है कहानी, ठीक है ना. तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं, तो डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर. तो मतलब ये एक इसी में मिनी टॉपिक बन गया 3 नंबर का, तो इसके बारे में लिख लेते हैं. तो फर्स्ट एरो डाल के तो लिख लो, सब्सिडी मींस, सब्सिडी का मतलब है, सब्सिडी मींस दैट द फार्मर, दैट द फार्मर्स गेट इनपुट्स एट प्राइजेस लोअर देन मार्केट प्राइसेस. सब्सिडी का मतलब है कि फार्मर्स को इनपुट्स सस्ते दामों पे मिल रहे हैं बाजार की अपेक्षा. बाजार में अगर मान लो HYV सीड है 100 रुपए का, तो फार्मर को गवर्नमेंट कह रही हुई हम आपको 70 का दे देंगे. तो ये मतलब एक सब्सिडी हो गई. सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग इनिशियल फेजेस During initial phases, it was risky for small farmers to adapt
न्यू टेक्नोलॉजी, सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ग्रांट सब्सिडीज टू स्मॉल फार्मर्स. अब शुरू शुरू में रिस्की था छोटे फार्मर के लिए कि भाई सीधा नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, है ना. तो इसीलिए सरकार ने डिसाइड करा था कि भाई हम सब्सिडीज देंगे. तो सरकार ने ये डिसाइड करा कि हम सब्सिडी ग्रांट कर देंगे छोटे फार्मर को. लेकिन लास्ट पॉइंट, विद द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विद द पासेज ऑफ टाइम कॉमा देयर हैज बीन डिबेट ओवर ह्यूज नंबर ऑफ सब्सिडीज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट. लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो इस पर बहस होनी शुरू हो गई, डिबेट होनी शुरू हो गई कि भाई सरकार ने कितनी भयंकर सब्सिडियां दे रखी हैं. तो विद द पासेज ऑफ टाइम देयर हैज़ बीन डिबेट ओवर ह्यूज नंबर ऑफ सब्सिडीज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट. तो फिर कुछ अर्थशास्त्री जो थे, इकोनॉमिस्ट, आपकी तरह जैसे होशियार बच्चे हो ना आप, तो कुछ अर्थशास्त्रियों को बैठाया कि भाई आप बताओ. तो कुछ इसके फेवर में थे अर्थशास्त्री और दूसरे अर्थशास्त्री अगेंस्ट में थे. तो फेवर वालों ने क्या कहा, अगेंस्ट वालों ने क्या कहा, वो पता होना चाहिए. तो पहले फेवर वालों की बात लिख लेते हैं. फेवर वालों ने, तो पहले आप बताओ, अगर मान लो आप फेवर में बैठे हो अभी, तो आप क्यों कहोगे कि सब्सिडी देनी चाहिए. आपने कहा था ना देनी चाहिए, तो क्यों देनी चाहिए. इनइक्वालिटी कम रहे और ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. ठीक है, तो लिख लेते हैं कुछ बातें. लिख के आप सही कह रहे हो, यही बातें. तो नंबर वन, पहला तो उनका यही पॉइंट था कि फार्मिंग इन इंडिया इज अ रिस्की बिजनेस. Therefore, government should continue agricultural subsidies. तो इनका ये कहना है कि भाई देखो, इंडिया में फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस है, है ना. आप चाहे आज की भी बात कर लो, आज अगर आप कहो कि चलो हम फार्मिंग करेंगे सर, इससे बहुत पैसे कमाएंगे, तो कर तो सकते हो आप, लेकिन ये रिस्की बिजनेस है आज भी, और ओवरऑल भी इसका स्ट्रक्चर रिस्की है. कब फसल ख़राब हो जाए, कब कुछ और पॉलिसी आ जाए, कब क्या हो जाए. तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि भाई देखो, फार्मिंग जो है ये रिस्की बिजनेस है, तो सरकार को सब्सिडीज देना चाहिए. सेकंड, दूसरा जो आपने पॉइंट कहा, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर very poor and they still cannot afford the required inputs. ये तो आपने खुद ही कहा पॉइंट कि भाई इसीलिए सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे फार्मर्स गरीब हैं. आज भी सोचो, आज भी, और हम तो 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो वो इनपुट्स खरीद ही नहीं सकते बेचारे, तो इसीलिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए. और तीसरा, ये भी आपने बताया पॉइंट, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल क्या कर देंगी, इंक्रीज द इनकम इन इक्वालिटी बिटवीन रिच
एंड पुअर फार्मर्स, ये भी जो आपने पॉइंट बताया कि भाई अगर सब्सिडीज हटा दी तो फिर तो इनकम इनइक्वालिटी भयंकर हो जाएगी, फिर तो अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, तो इसीलिए हम सब्सिडी नहीं हटा सकते, नहीं तो फिर तो इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इन तीनों बातों को मद्देनज़र रख के कहा जा सकता है कि भाई हाँ सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो पहले तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब आपको टेबल के उस तरफ बैठा दिया है मोक्ष भाई, अब आपको ये बताना है कि नहीं नहीं सर नहीं, बिल्कुल भी सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए किसानों को, है ना? तो अब क्यों नहीं देनी चाहिए बताओ, क्यों नहीं देनी चाहिए? हाँ भाई, आपने ये कह रहा है कि भाई किसानों को पैसे दे दिए तो उनको पैसे मिल गए, सब्सिडी मिल गई, लेकिन उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, उसको यूज़ कैसे करेंगे, वो वेस्ट कर देंगे, है ना? और क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे तो फिर तो कोई नहीं, अच्छी बात है वैसे। तो मतलब उनको सब्सिडी मिल गई, पैसा मिल गया, तो वो अपना सोचेंगे चलो प्रोडक्शन छोड़ो, अपना मस्ती करने निकलते हैं, क्या करना, HYV सीड्स खरीद के। ये भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। एक और पॉइंट ये हो सकता है, ऑनलाइन में भी बच्चे भेज रहे हैं कि सर गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी जेब से ही तो सब्सिडीज दे रही है, तो गवर्नमेंट पे भी बर्डन पड़ेगा। तो मतलब ये भी दो पॉइंट्स लिख लेते हैं हम जो हैं कि भाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्या कहना था इकोनॉमिस्ट्स का कि भाई सब्सिडीज वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, सब्सिडीज वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू HYV टेक्नोलॉजी subsidies were granted by the government to provide an incentive for adoption of new HYV technology full stop. So after the wide acceptance of technology, comma, subsidies should be phased out as their purpose has been served. ये एक logical economist वाला point है। Subsidies should be phased out as their purpose has been served. तो देखो ये लॉजिकल इकोनॉमिस्ट वाला पॉइंट है कि भाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए आप सब्सिडी। तो इसमें लिखा है, देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना, कि सब्सिडी की शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि किसान न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, कि भाई देखो कुछ नई चीज़ आई है, सबके मन में डर है, तो सरकार ने सब्सिडियाँ दी कि भाई चलो सस्ता है ले लो ताकि आप अडॉप्ट कर लो। अब सेकेंड लाइन पढ़ना, सो After the wide acceptance of technology, लेकिन अब तो सब ने इसको अडॉप्ट कर ही लिया है, अब तो सब इसको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो जब इसको अब सब जानते हैं, सब मानते हैं, तो सब्सिडीज शुड बी फेज्ड आउट, इसका मतलब है अब धीरे धीरे इसको ख़त्म करना चाहिए ना, क्योंकि सब्सिडीज को लाने का पर्पज़ ये था कि शुरू शुरू के नए दौर में लोग इसको जानें और अडॉप्ट करें, लेकिन अब तो सब ने अडॉप्ट कर लिया, तो अब किस बात की सब्सिडी, अब इसको हटाओ, तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना था। और दूसरा पॉइंट क्या कहना था वो भी लिख लेते, दो ही पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट उनका ये कहना था कि भाई सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द स्मॉल एंड पुअर फार्मर्स Rather, it benefited the
फर्टिलाइजर्स कंपनी तो इकोनॉमिस्ट्स का ये भी कहना था कि भैया सरकार तो चोर है, इन्होंने कंपनियों के साथ साठगांठ कर रखी है, टाई अप कर रखा है, और सब्सिडी का फायदा ये गरीबों को नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? फर्टिलाइजर कंपनियों को दे रहे हैं। तो लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा कि भाई सरकार जो है सब्सिडी का फायदा पुअर फार्मर को नहीं दे रही, ये बंद करो, ये तो सब नाटक है। ये तो सब्सिडी का फायदा किसको मिल रहा है? फर्टिलाइजर कंपनी को, कि भाई कंपनी से टाई अप कर लिया कि भाई हम आपसे ना 500 किलो फर्टिलाइजर खरीदेंगे, और किसानों को कहा कि भाई आपको दे देंगे ज़बरदस्ती सब्सिडी के बहाने। तो कोई सब्सिडी का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा, ये तो सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाने की चाल है, ऐसा कुछ लोगों ने जो भी कहा ये कहा। तो मतलब ये दो लॉजिकल इकोनॉमिस्ट वाले पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मतलब सब्सिडीज़ का विरोध किया गया या कुछ लोगों ने मना करा। तो क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो मतलब ये पूरी कहानी जो थी ये थी हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन की और उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे मतलब क्वेश्चंस की। चलो, तो डन आज की छुट्टी।